और भी भारतीय जनता पार्टी की जीत के आगे हार मान गया और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की इन राज्यों में जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, वहीं हरदोई में भी जश्न का माहौल साफ तौर से कहना है देखा गया। भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, भाजपा नेताओं ने रोड पर पटाखे जला करके जश्न मनाया। नेता की जनता ने ये साबित कर दिया है कि सियासत ट्वीट के सहारे नहीं चलती है, बल्कि धरातल पर काम करने वालों को जनता जनादेश देती है। तो कहीं ना कहीं जो है साफ तौर से जो विपक्ष के ट्वीट हैं उन पर यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आए हैं हरदोई के कार्यकर्ता। जैसे कि वहाँ पर जो है जिला अध्यक्ष ने कहा कि सियासत जो है वो ट्वीट में नहीं चलती है, सियासत ट्वीट के जरिए नहीं चलती है, बल्कि धरातल पर काम करने वालों को जनता जो है वो जनादेश स्वीकार करती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो जश्न का माहौल है ये दिखाई दे रहा है साफ तौर से। उत्तर प्रदेश के ये हरदोई की अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये पटाखों को जला करके भारतीय जनता पार्टी के लिए जश्न मनाया जा रहा है। तो देख सकते जी क्या कहेंगे इस जश्न पर? आज जो घोषित चार राज्यों के परिणाम हैं उसमें मध्य प्रदेश में हमारी पुनः वापसी हुई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने कांग्रेस को हराकर दोनों राज्य जीते हैं, तेलंगाना में हमारी पहले एक सीट थी, हमारा परसेंट ऑफ वोट बढ़ा, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। तो निश्चित रूप से आज कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी का माहौल है और ये जनादेश विपक्ष को दिखा रहा है कि काम करने से ही जनता उसके साथ खड़ी होती है, सिर्फ ट्वीट करने से और प्रेस वार्ता करने से जनता साथ में खड़ी होने वाली नहीं। जी क्या कहेंगे इस जश्न पर? आज जो घोषित चार राज्यों के परिणाम हैं उसमें मध्य प्रदेश में हमारी पुनः वापसी हुई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने कांग्रेस को हराकर दोनों राज्य जीते हैं, तेलंगाना से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जश्न का जो माहौल है वो हरदोई में देखने को मिला और कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ताओं में जो जोश था वो जोश देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता जो है वो भी अब जीत का जश्न जो है वो मनाने के लिए पहुंच गए हैं। जैसा कि राजधानी दिल्ली में भी जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रचंड जीत के बाद में आज जश्न मनाने के लिए पहुंच गए। एक बड़ी अपडेट की ओर रुख करेंगे। जयपुर से आर्य आदर्श नगर से रफीक खान जीते हैं दिया कुमारी 71,368 वोटों से और राजवर्धन 50,170 पहली बार चुनाव बराला जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है, पहली बार का चुनाव लड़ रही थी शिखा बराला जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है और वहां पर राजवर्धन 50,170 वोट जीते हैं। वही दिया कुमारी जो है वो 77,368 वोटों से जीती है। तो जयपुर की ये सीटें हैं जिन सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से आप देखा गया भारतीय जनता पार्टी का जो महामुकाबला आज था वो महामुकाबला जो है वो लखनऊ में आज बदलता हुआ नजर आया और ऐसे महामुकाबले में कहीं ना कहीं जो है आज चार राज्यों के जो परिणाम घोषित हुए वो साफ तौर से चौंकाने वाले रहे। राजस्थान के मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो मेहनत थी, जो शिवराज सिंह चौहान की जो मेहनत थी वो मेहनत कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश में रंग लाती हुई नजर आई। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत करी थी, जो चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से लगातार जो बड़े चेहरे थे, जो दिग्गज नेता थे वो लगातार चुनावी जनसभाओं के लिए पहुंच रहे थे और उसके बाद में लगातार अब उन चुनावी जनसभाओं के बाद जो नतीजे आने थे, जो प्यार जनता का मिलना था वो प्यार आज जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आया है और तीन राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। तो आज बहुत खुशी का दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने तेलंगाना में पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है और राजस्थान उनके हाथ से जा चुका है और भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में एक राज्य और आ गया है राजस्थान, जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे दारोमदार के साथ सरकार चलाने के लिए तैयार है। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए केकेड न्यूज।
मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम मंडी चौराहे के पास हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर वन शॉप जसवंत टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा सभी का हमारे लिए बहुत प्यार मिल रहा है और सभी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851010। फील द पावर ऑफ इंजन। Maco Lubricant, ready to drive. Welcome to the capital city of Uttar Pradesh, Lucknow. दिल्ली, मुंबई और इन्हीं दूसरी मेट्रो सिटीज की तरह आज जो शहर डेवलपमेंट की ओर बहुत ही तेजी से लगातार आगे बढ़ रहा है वो शहर है अपना शाने अवध लखनऊ। और लखनऊ की खासियत भी है कि ये सारे शहर